अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक फिट फाट। आज है जी वोटिंग, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आज हो रही है वोटिंग। अल्लाह खैर करे, अब कौन आएगा, कौन हमारे मुल्क को संभालेगा हमें नहीं पता, पर हम लोग जो है भाई PTI के सपोर्टर है, आज़ाद उम्मीदवार को देंगे वोट। तो अभी फिलहाल टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो चलो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरा अभी बना है ठीक है वोट, क्योंकि लास्ट टाइम जो है मेरा वोट नहीं बना क्योंकि मेरी लेट आती है बर्थडे, तो इलेक्शन गुजर चुके थे। तो मेरा फर्स्ट वोट है और पहला वोट डालेंगे, सो एक्साइटेड। और बस आज का दिन शुरू करते हैं, जल्दी तैयार होते हैं और निकलते हैं वोटिंग के लिए, और आप लोगों को दिखाते हैं रौनक। और अल्लाह खैर करे हमारे मुल्क का, अल्लाह पाक बेहतरीन मुस्तकबिल करे हमारे मुल्क का, बस दुआ में याद रखिएगा। और यस यही है, तो चलो आज का दिन शुरू करते हैं। तेज धूप, एक मिनट में आप चीज दिखाती हूँ। आज ये जो है ना, ये कोट है मेरी अम्मा जी का, मेरी मम्मा के जवानी के जमाने का कोट है ये। कितना अच्छा लग रहा है ना, वो कहते आई रियली लव इट। चेक करो यार, लूज लूज है, मतलब लाइक सही है, आई लव इट। ये जो कोट के बहुत खुला लग रहा था, तो ये इनकी है। कोई भी नहीं है, क्यों गाड़ी तो हो ही नहीं रही यार, अब क्या करेंगे, सैड लाइफ। ब्लॉग भी नहीं मिल सकता अब तो, ना वोट जाएगा। अभी गाड़ी नहीं आ रही, नहीं कोई भी नहीं आ रही। एक बस आई थी 20 मिनट दूर, 20 मिनट, वो भी फायदा तो नहीं था उसका। A few moments later. अच्छा यार, सैड स्टोरी के हम लोग नहीं जा सके क्योंकि हमारी गाड़ी जो है हम लोग कितनी दूर तक ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि 40 मिनट्स लगते हैं हमारे घर से वहाँ तक के, ठीक है। तो और रश वाला एरिया, तो वहाँ हम ड्राइव नहीं कर सकते गाड़ी, तो अपनी गाड़ी तो लेके जाने का कोई सवाल ही नहीं था। और दूसरी बात थी कि इन ड्राइव या उबर वगैरह देखें तो वो हम कब से देख रहे हैं, हमें घंटा हो गया ऑलमोस्ट, वो भी नहीं आ रही। हमने कब फिर लोकल ट्राई करे, लोकल कोई भी नहीं मिल रहा। तो सैडली कि हम लोग नहीं जा सके, लेकिन हमारा वोट जो PTI का है, PTI ही जीतेगी इंशाल्लाह। और क्वीन थी हमारी तरफ से, और था आई थिंक से टेबल चेयर कुछ यही था, तो चीज दो थे, तो इंशाल्लाह PTI जीतेगी और हमारा वोट उसी का ही गया। और आप लोग पता है आप लोगों का वोट किसका है, आप लोग आए कमेंट सेक्शन में आए मुझे नीचे बताएं। तो यस, दिस इज द स्टोरी, जीत गया यहाँ पे। ये देखो रैली निकाली हुई है सब लोग, माय गॉड, ये देखो डांस कर रहे हैं। एक मिनट, एंगल सही ले लूंगा, एंगल है। अपनी गाड़ी वीगो निकालू, ओह माय गॉड। अभी आगे तक है, ये आगे तक है, अभी नजर नहीं आ रही। मैं नीचे जाती गेट से दिखाती, लेकिन बहुत रश है बाहर। चलो यार, बस मैं जा रही हूँ, ठंड है बहुत ज्यादा। Thousand years later. यार दो दिन हो गए हैं, मैं दो दिन बाद दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉग, दो दिन हो गए, लेकिन अभी भी वादतुल मुस्लिमीन की बात है, उनके साथ हमारा था कि अभी मजहबी जमात होने के नाते हमने उनसे ये कमिट किया था कि उनके कुछ लीडर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको कंटेस्ट नहीं करेंगे और हमारी के मुकाबले में नहीं होंगे। अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, दो दिन हो गए यहाँ। अब यहाँ जो है 255 दिखा रहे हैं, ठीक है, अब पता नहीं कौन ठीक है नहीं, लेकिन कौमी असम्बली के जो आ रहे हैं वो तो सेम आ रहे हैं, कुछ में रिजल्ट आ रहे हैं पता नहीं क्या, लेकिन इसमें हमें सही समझ आ रहा है, उन्होंने सही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है सब कुछ। कोई जीते, और मैंने सुना आज, हाँ बल्कि मैंने कोई बात सुनी आज के इमरान खान और
कुरैशी साहब को जो है बेल हो गई है, इज इट ट्रू? और अल्लाह खैर करे कि क्या होगा फिर हुकूमत का, क्या होने वाला है, क्या अपकमिंग है। अभी रिजल्ट तो पूरे पे चलेगा, लेकिन मैं कल इससे गलती थी, मेरी तबीयत खराब थी, मैं बाहर थी कल, आज मैं फिर बोलने के काबिल हुई, मैं तो फिर भी कल जो मरी हुई थी टोटली। तो अभी तक जो है वो तो आज़ाद उम्मीदवार ही ऊपर है, वो जैसे पता ही है। हाँ शेर वाले आ गए अपने अपनी आवाम को लेकर। मैं व्लॉग एंड करने लगी थी यहाँ पर, ठीक है, मैं बाकी जो है आप लोग को, आप लोग सबने ये फैसले सारे, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताने लगी थी ये कि मैंने एक क्लिप बनाया था कि रात तक जो है हमारा पीटीआई, हाँ हमारे हल्के साइड से हल्के से पीटीआई जीत रहा था, बट अगले दिन खबर आई कि भाई नून का बंदा जीत गया। पता नहीं दिस इज़ ट्रू और नॉट, बट आप लोगों के सामने आज जो है एक रैली भी निकली है, ये नून के जो आए थे लोग, मैंने डाला है क्लिप, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या सिस्टम है, क्या हो रहा है। ये आई थिंक तो दो दिन बाद की मैंने ब्लॉग, लाइक तीन दिन का ब्लॉग ये प्रॉपर है, तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों हुकूमत ऐसी बना रहे हैं कि इसमें ऑनेस्ट बंदे की ज़रूरत है हमें, जो ऑनेस्टी हमारे पॉलिटिशियंस में नहीं है। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, अल्लाह ही हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें, फिर से अच्छे से ब्लॉग के साथ मिले, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।